पाइथन ट्यूटोरियल में आप सीखने वाले हो कि कैसे हिस्टोग्राम प्लॉट पर गॉसियन फिट किया जाए। तो गॉसियन फिट हमारा कुछ ऐसा दिखता है, ये हमारा गॉसियन प्रोफाइल है, 1/σ/2π जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, और ये हमारा म्यू हमारा मीन है और सिग्मा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो हमें करना क्या है, हमें इस प्रोफाइल को एक हिस्टोग्राम प्लॉट पे फिट करना है। ये जो आप देख रहे हो ये ग्रीन बार्स, ये हमारा हिस्टोग्राम है, और जो हमारा रेड प्रोफाइल है वो हमारा गॉसियन प्रोफाइल है। तो बेसिकली हमें इस गॉसियन को फिट करके इस हिस्टोग्राम पे हमें उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू, उसका मीन वैल्यू और उसका हमें एस्पेक्ट निकालना है, सिग्मा निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम इंपोर्ट कर लेंगे numpy, और फिर इंपोर्ट करेंगे matplotlib प्लॉटिंग के लिए .pyplot as plt। तो ये हमारा एरे के लिए हो गया, ये हमारा प्लॉटिंग के लिए हो गया। और अब क्या करेंगे, अब हम डिफाइन करेंगे अपना x डेटा। तो x डेटा हम डिफाइन करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे डिफाइन डेटा। तो डेटा को हम डेटा इक्वल टू करेंगे, और यहाँ पे हम उसे पहले एक रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट रैंडम। तो ये हमारा रैंडम नंबर्स को टेक कर करता है। डेटा को हम क्या करेंगे, हम एनपी डॉट रैंडम डॉट रैंड इन, और हम 100 डेटा पॉइंट दे देंगे इसके अंदर, और फिर देखते हैं कि हमारा ये डेटा है क्या। रन करते हैं तो देखें कि हमारे पास इतने डेटा पॉइंट्स आ गए हैं, रैंडम नंबर्स आ गए हैं 1000। हम क्या करेंगे, हम इस कोऑप हिस्टोग्राम पे प्लॉट करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर हम प्लॉट हिस्टोग्राम करेंगे। तो उसके टाइम हम टाइप करेंगे कमांड plt.hist, और फिर हम जो दे देंगे डेटा दे देंगे पास कर देंगे, और बीन्स पास कर देंगे, मतलब बीन्स पास कर देंगे, बीन्स आप 20 कर दो। और हम फिर plt.show कर देंगे, तो देखते हैं क्या आता है हमारा रिजल्ट। तो ये हमारा हिस्टोग्राम हो गया। आप इसको थोड़ा और ऐसा कर सकते हो, इसको आप इसमें आप एज कलर ऐड कर दो, एज कलर इक्वल टू आप ब्लैक कर दो, और इसको आप कलर भी दे सकते हो, दूसरा कलर दे दो ग्रीन कर दो, ग्रीन कलर हो गया आपका। और फिर तो यहाँ ये हमारा हिस्टोग्राम प्लॉट हो गया, हिस्टोग्राम प्लॉटिंग हो गया हमारा। तो हम क्या करेंगे, अब हमें इसके वाई वैल्यूज निकालने होंगे, मतलब इस बार का टिप कितना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे देंगे एन दे देंगे एन और बीन्स, और फिर टाइप करेंगे पैसेज इक्वल टू, देखेंगे हमारे क्या क्या यहाँ पे आता है। हम चेक करेंगे यहाँ पे कि जैसे हमने दिया इन दिया, तो इन हमारा जो है ना, हमारा ये
आप देख सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू इसका अराउंड 127 है, तो इन हमारा वाई वैल्यू हो गया इसका, इन हमारा वाई वैल्यू हो गया। आप बीन्स देखो, बीन्स क्या देते थे आपका बीन्स, तो आप देखोगे कि आपका ये रेंज हो गया। और फिर आप टाइप करो पैसेज, तो इसमें मतलब हमारे पास 20 पिंस हैं। हम क्या करेंगे, अब हम इसको फिट करेंगे इस हिस्टोग्राम को फिट करेंगे। तो उसके लिए हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि लाइब्रेरी फ्रॉम scipy डॉट ऑप्टिमाइज इम्पोर्ट कर्व फिट। तो ये हमारा कर्व फिटिंग के लिए यूज होता है, scipy लाइब्रेरी है। हम क्या करेंगे, हमारे पास वाई डेटा चाहिए, तो हम वाई इक्वल टू इन कर देंगे। ये हमारा वाई डेटा हो गया। और हम फिर हम एक एक्स डेटा डिफाइन करेंगे, तो देख सकते हो कि हमारे यहाँ रेंज कुछ माइनस 3 to +3 है। तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे अपना रेंज, डिफाइन कर लेंगे डिफाइन योर एक्स रेंज, डिफाइन योर एक्स डेटा कर लेंगे सिंपली। और एनपी डॉट एक्स इक्वल टू कर लेंगे हम एनपी डॉट इन स्पेस, तो ये हमें इक्वली स्पेस नंबर दे देगा दो वैल्यू के बीच में। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं -4 to -4 कर लेंगे, और उसके बीच हम 20 डेटा पॉइंट ले लेंगे। तो हम ये हमारा एक्स हो जाएगा, ये हमारा एक्स हो जाएगा डिफाइंड लीन स्पेस। तो यहाँ पे हमारा x आ गया -4 to -4। हम क्या करेंगे, अब हम एक गॉसियन फंक्शन डिफाइन करेंगे, उसको हम डिफाइन करेंगे ताकि हम उसको प्रोफाइल को फिट कर सकें। तो डिफाइन ऐसे कर डिफाइन गॉस करेंगे, और हम इसमें देंगे उसके पैरामीटर, जैसे एम्पलीट्यूड दे देंगे, उसका मीन वैल्यू, और फिर उसका सिग्मा वैल्यू कर देंगे। और फिर हम उसमें हमारा एक से वेरिएबल रहेगा, और फिर आप इसको डिफाइन कर दोगे रिटर्न करके, रिटर्न एम्पलीट्यूड इनटू एनपी डॉट। बेसिकली आपको आपको ये प्रोफाइल लिखना पड़ेगा दोबारा, एनपी डॉट एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू सिग्मा होल स्क्वायर। तो ये हमारा प्रोफाइल हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको फिट करेंगे। नाउ फिट हिस्टोग्राम विथ गॉसियन। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम टाइप करेंगे पीओपीटी और पी कोवेरियंस। तो यहां हमारा
जो पीओपीटी होगा ये हमारा ऑप्टिमाइज पैरामीटर देगा, जैसे हमारा मीन है, एम्पलीट्यूड है और सिग्मा है, और जो हमारा पीक कोवेंस होगा हमारा 3x3 मैट्रिक्स देगा, जिससे कि हम एरर निकालेंगे टू फाइंड एरर इन पैरामीटर। और फिर हम टाइप करेंगे यहाँ पे कर्व फिट, और फिर हम यहाँ पे पास करेंगे अपना प्रोफाइल, फिर एक्स डेटा देंगे, वाई डेटा पास करेंगे, और हम यहाँ पे कुछ इनिशियल गेस दे देंगे, जैसे हम P0 दे दिए, और जैसे हम अपना कुछ दे देंगे गेस, जैसे 120 कर दिया, जैसे 120 कर दिया, फिर 0 मीन कर दिया, 2 कर दिया सिग्मा, और हम फिर हम फिट करेंगे, मतलब हम प्लॉट करेंगे। अब फिर हम आप इसको रन करके देख सकते हो कि आपके आ क्या रहा है। व्हाट इज मिस्टेक, पीओ देयर शुड बी P0, रन इट। नाउ यू कैन चेक इट हियर, व्हाट इज योर पीओपीटी, सो दिस इज योर पीओपीटी, एंड यू कैन आल्सो चेक योर पी कोवेरियंस, दिस इज योर 3x3 मैट्रिक्स एंड इट्स डायगोनल will give the error if you take a square root of this. Okay, so now go here and plot fitted Gaussian to histogram. So for that type command plt.plot and then give your x argument and then pass your optimized parameter together. Okay, so star PRPT passes your parameter together. Now run it. What is mistake? There should be Gauss. And then x and then a star pop. Now it's fine. Now run it. Okay, so here you can see that there is your Gaussian fit. You can also change if you want. -3 to 3 you can change, and let's see. But I think it's look better. Okay, so let's do it 2, 3. Okay, so we have fitted our Gaussian. You can also change the color equal to, you can give it red, maybe you can give some line width equal to 5. Okay, so here is a fitted your Gaussian to the histogram. You can also give blindness style if you want, and you can make it say dashed. This is the broken line. Now this much we have done, and we have learned how to fit Gaussian to the histogram. Now here you can print your mean amplitude and sigma. Okay, so you can type POPT 0, and this is gives your mean value, and then POPT 1 gives
डिवाइन पैरामीटर फॉर मीन, सो दिस इज एम्पलीट्यूड, मीन एंड सिग्मा. ओके, सो यू गॉट योर ऑल थ्री थिंग्स टुगेदर. यू कैन टाइप हियर प्रिंट मीन amplitude, mean and sigma. Okay, so here are three things. Now we want to find error in these values. So for that we have to print PO, print P covariance matrix. Okay, so this is like a 3x3 matrix. Okay, so we have to take the diagonal. So for taking diagonal, print np dot diagonal P covariance. So just block it. This is your diagonal element. Now take it, it's a square root. So np dot sqrt and this will give your error. Okay, so this is your error in those. Okay, so you can type here print error in amplitude, mean and sigma is. So this is your corresponding error in your amplitude, mean and sigma. So this way you can fit, you can also give some label to this. So label you can give it set label equal to histogram. Then you can give label it to Gaussian fit and give your legend. So this will add legend to this plot. You can see here